आदाब नाजरीन, जे के खबरनामे आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपकी मेजबान गजाला निसार। आए सबसे पहले कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो खबर हमने सुबह जे के खबरनाम पर नशर की थी। जिला इंतजामिया बानीहाल और रेड क्रॉस ने हरकत में आकर इस मरीज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग पहुँचाया। आपको मैं बताती चलूं, ये जो मरीज है ये बानीहाल से पिछले 3 दिनों से जहर इलाज था और इसकी हालत काफी तश्वीशनाक बताई जा रही है। हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गिलानी ने 9 फरवरी और 11 फरवरी को कश्मीर बायकॉट की कॉल दी रखी थी और जिसके चलते आज पूरी वादी में बंद का असर देखने को मिला। सईद अली शाह गिलानी ने मोहम्मद मकबूल भट्ट और मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के 35 साल और 6 साल मुकम्मल होने पर दोनों कश्मीरी सपूतों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने दोनों शहदा की तिहाड़ जेल में मदफून बाकियात को वापस लौटाए जाने का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि ये अगरचे एक इंसानी मसला है, अलबत्ता भारत तमाम तरीकों की आईनी और इंसानी उसूलों को पामाल करते हुए इसको पूरा नहीं कर रहा है और इस तरह इसका एक बड़ी जमहूरी होने का दावा बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। गिलानी ने मजीद ये कहा कि मोहम्मद मकबूल भट्ट और मोहम्मद अफजल गुरु कश्मीरी कौम के हीरो है और हमें उन पर फख्र है। हुर्रियत की कॉल के मद्देनजर आज श्रीनगर समेत वादी के दूसरे अजला में मुकम्मल तौर बंद रहा। इसी खबर पर मजीद हमारे साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदा हिलाल भट्ट जुड़ चुके हैं। जी हिलाल, ये बताएं आज वादी में हालात कैसे रहे और खास तौर पर अगर जिला अनंतनाग की बात करें, हड़ताल का कैसा असर रहा? जी हिलाल। जी गजाला, सरकम आजम की कयादत की तरफ से अगर पहले ही कश्मीर बंद की कॉल दी रखी थी तो इसके चलते आज पूरी वादी कश्मीर बंद करने को मिला। अनंतनाग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आज तमाम कारोबार इदारे जो है वो बंद रहे, ट्रैफिक की नकलों भी मुतासर रही और तैलीमी इदारे भी बंद रहे और दूसरी तरफ आज हड़ताल की कॉल की वजह से रेल खदमा भी होता रहे, क्योंकि अगर गुरु को फाजी किए जाने की 6 साल मुकम्मल हुए लेकिन सवाल आज भी हुई है कि उनके घर वालों को अभी तक मासूम बाकियात को वापस नहीं लौटाया गया है। लेकिन खबरनाम के लिए अनंतनाग से हिलाल बार। जी हिलाल, जे के खबरनाम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वादी कश्मीर खिता पीर पांजाल व चिनाब में भारी व तबाहकुन बर्फबारी ने बड़े पैमाने पर कहर बपा कर दिया है, जिसके नतीजे में जुनूबी कश्मीर और शहरा पर बर्फानी तोड़फोड़ के दौरान 13 अफराद मुकम्मल अजल बन गए, जिनमें टनल पर पेश आए वाकये में पुलिस के 5 अहलकार और 2 गैर रियासी कैदी भी शामिल है। इस दौरान टनल वाकये में एक पुलिस अहलकार बदस्तूर लापता था। आज बचाव कार्रवाई जारी रखने के बाद परवेज अहमद, जो कि कुलगाम के रहने वाले थे, की लाश भी बरामद की गई है। जम्मू श्रीनगर शहरा रामबन और रामसू के दरमियान बारी पस्तियों और पत्थरों के गिराने की वजह से आज चौथे रोज भी बंद रही। अगरचे मौसम में बेहतरी के साथ ही कई मुकामात पर बहाली का काम शुरू किया गया, लेकिन शहरा की बहाली के इम्कान अभी भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। फोरलेन शहरा की तामीराती कंपनियों की मशीनरी और अफरादी कुत ने रामबन बानीहाल और जवाहर टनल के दरमियान बारी पस्तियों और बर्फबारी को साफ करने का सिलसिला शुरू किया। हालांकि इंतजामिया की तरफ से काफी कोशिश की जा रही है और उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द ही कौमी शहरा को आमदो रफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदा जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में आज तीसरे रोज भी रेल सर्विस मुअत्तल रही। ये रेल सर्विस इंतजामिया की तरफ से बंद की गई है। वजह रहे आज मुश्तरका मजामती कयादत की तरफ से कश्मीर बंद की कॉल दी गई है और जिसके चलते ये फैसला हुक्काम को लेना पड़ा। कुलगाम के क्रालकुंड इलाके के लोगों ने आज सड़क बंद पड़ जाने की वजह से एक हमला खातून को अपने कंधे पर उठाकर तिब्बी मराकज पहुँचा दिया। क्रालकुंड के मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और एसडीएम कुलगाम से अपील की है कि वो जल्द से जल्द सड़कों से बर्फ हटाएं। खबरों का सिलसिला जारी रखने से पहले यहां पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तिजारती वक्फा। लब्बैक अल्लाह।
अल्फजल टूर एंड ट्रेवल्स काजी मोहल्ला लाल चौक अनंतनाग, ब्रांच ऑफिस राही टूर एंड ट्रेवल्स नजदीक बचपन किड्स केपी रोड अनंतनाग। हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन उमराह पैकेजेस, जिसमें फैमिली पैकेजेस बेहतरीन रेट्स पे अवेलेबल है और विंटर में जम्मू में रहने वालों के लिए भी बेहतरीन पैकेजेस अवेलेबल है। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सीट बुक कराइए। बुकिंग के लिए आज ही हमसे राब्ता करें 9906780225, 9906733684। तिजारती वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, डालते हैं बाकी खबरों पर एक नज़र। अछबल के मागरे मोहल्ले के लोगों ने महकमा R&B के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने महकमा के खिलाफ सख्त नाराबाजी की और कहा कि महकमा सड़कों से बर्फ हटाने में नाकाम रही है, और उनका कहना था कि बर्फ न हटाने की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है और नतीजे के तौर पर जाने नुकसान भी पहुंच सकती है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो फिलफोर सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू करे। रात सड़क कर आज सुबह पे वो तमन वाम लट वन कहीं R&B गन जवान सुबह पे जख्मी तक ये दबो से मस्जिद पाकस मन हे नमाज पढ़ने खातर टाउन नबर आव शीन तुल टाउनस अंदर आव नुल महकम डिपार्टमेंट बराबर नफर हथ दिवन इंश्योरेंस असा तुलो अकिस घंटे मगर अस मुतमिन कह क्या रात पे आव तुल मुतमिन गिमांड लास्ट सी डिमांड गई रोड क्लियर गिमांड लास्ट पे क्या नाव घंटा सबर जनाब पर्वा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रूही ने आज कपरन बेड का दौरा किया। दौरे के दौरान वो मरीजों से मिली और मरीजों को दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया, ताकि मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। का दौरा किया मैं, चूंकि 3-4 दिनों से वहाँ ही हाल्ट हुई थी हेडक्वार्टर पे ही, बहुत कोशिश की, आज 2 दिनों से यहाँ नहीं आ पाई। कल RD साहब से बात भी की कि वहाँ का वो जो रोड का मसला है तो वो क्लियर होना चाहिए। उन्होंने कटर हालांकि भेजा भी, सुना मैंने, फ़ोन भी मुझे आया, कटर भेजा भी, लेकिन मैं 12 बजे की निकली हूँ वेरीनाग से। मैंने अपने मुलाजिमों को उठाया वो सामान वामान लेके, तो 12 बजे से लेके इस वक्त आप टाइम देखे कोई 4:30-5 हुए होंगे, 5 बजे मैं कपरन पहुंची। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे अब ये लगी, जो मैं हेल्थ के हवाले से आपको कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ से, यहाँ तो ब्लाइंड एंड हुआ है बर्फ से, ये तो कपरन का हॉस्पिटल मेरा PHC ये है, NTPHC यहाँ है, ये ब्लाइंड एंड हुआ है। अगर ऊपर से मुझे कोई पेशेंट आएगा तो बहुत मुश्किल के साथ उनको मुश्किलात का सामना करके ही वो यहाँ पहुँच सकते हैं। फिर यहाँ से क्या प्रॉब्लम्स है वो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वो ये है कि रोड इतना तंग है, गाड़ी एक मेरी सोमो थी, एक गाड़ी गुजर सकती है उस रोड के ज़रिए, जबकि अगर वहाँ से और एक पेशेंट आ सकता है या लोकल कोई गाड़ी आएगी, रोड का इतना कुशादल रोड नहीं है कि दो वो पार हो जाए, उससे पेशेंट समेत ये जो गाड़ी है वो हाल्ट होती है, कोई 20-25 आधा घंटा लगता है एक एक गाड़ी को छोड़ने में। मेहरबानी करके मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि मेहरबानी करके रोड को कुशादा कराइए, ताकि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 गाड़ियाँ, 2 एम्बुलेंस से मेरी पार होनी चाहिए, उससे हेल्थ के हवाले से मुझे कोई फ़ायदा लोगों को मिलेगा, वरना खाली मुलाजमों और खाली फैसिलिटी से नहीं होगा, जब तक कि ये रेफरल मुझे ऑन टाइम रेफर नहीं होगा पेशेंट। बस बात जिला बड़गाम के कनी दाजन टू दारवन और कनी दाजन टू नौगाम पर बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि यहाँ के गली कोचे जहरीले आ गए हैं, जबकि सड़कों पर फिसलन भी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों का अबूरा मरूर मुश्किल बन गया है और इलाकों के लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर इकदाम उठा के सड़कों से जल्द बर्फ को हटाए। यहाँ रोड सभी रोड बंद है, अभी तक बर्फ नहीं हटाया गया है,
मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ बिजली है, सड़कें पिछले चार दिन से बंद हैं। मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ के बीमार रास्ते में दम तोड़ बैठते हैं। किसी डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ सड़कें अभी पिछले चार दिन से बंद हैं। बर्फबारी की वजह से यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए और यहाँ खुद देखे यहाँ के हालात कैसे हैं, उसके मुताबिक यहाँ कुछ ये सड़कें वड़के बिजली पानी वगैरह सप्लाई करें। शोपियां के लोगों को बर्फ न हटाने की वजह से काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहां के रिहायशी मकीनों का कहना है कि बर्फ पिघलते ही पानी न सिर्फ सड़कों और गली कोचों में जमा हो जाता है, बल्कि कई मुकामात पर पानी दुकानों और मकानों के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से मकानों को गिरने का खतरा लाहक हो गया है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जमीनी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि लोगों को राहत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या रिपोर्ट आज त्रेम दो दरमाद ये बना नबर तेरह ये पहल पे डिलवरी तुम वो ये सड़क यहाँ शीन तुलना आज पुंचम दो मेहरबानी कर तो ये तुल तो शीन हाथ प्रॉब्लम हस्पताल तु बंद अस शुपियन यपर मेन रोड सू तुम बंद तु वप शीन लग भग वन चोर फुट मेहरबानी कर करने तो सड़क क्लियर वो मोच बेमार अगर खत शर मुश्किल गहरबानी कर वो। शांगस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई है। बिजली की तरसीली लाइन सड़क पर पड़ी हुई है और यही हाल पानी के हवाले से भी है, जिसकी वजह से मुकामी गुज्जर बस्ती को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी खबर पर मजीद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है तालिब हुसैन। जी तालिब, क्या अभी तक गुज्जर बस्ती में बर्फ नहीं हटाई गई है और क्या क्या मुश्किलात है आप हमें बताइए। जी तालिब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिब हुसैन बजरान है, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ एसटी डिपार्टमेंट में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और ऑल ट्रेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर की तरफ से मैं प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी हूं। तो मैं आज शांगस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितनी भी गुजर बस्तियां हैं एक बाय एक करके हमने सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुजर बस्तियों का दौरा किया। जैसे बड़वट में अगर आप देखेंगे बर्फ उठा दी गई है लेकिन गाड़ी चलने के काबिल है ही नहीं, उन लोगों ने तो पैसा निकाल दिया लेकिन बर्फ वहाँ की वहीं पड़ी हुई है। बिजली के जो तारे हैं वो पोल जो हैं गिरे हुए हैं, दरख्तों के साथ तारें बंधी हुई हैं, अभी तक बिजली वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पानी की पाइपें जो हैं सारी की सारी स्वस्थ पड़ी हुई हैं, गुसानी ऑर्डर ले लो, ब्रेड आंगन ले लो, रमलची ले लो, हापतखोड़ ले लो, फिर आप शेखपुरा नाड़ ले लो, इसी तरह से पथरीबल का एरिया हो गया, चाकलीपुरा का एरिया हो गया। आप हैरान हो जाओगे कि शांगस टाउन के साथ में अरकुलनाग एक गाँव है, वहाँ गुजर बस्ती है, टाउन के साथ में तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ भी बर्फ़ नहीं उठाई गई है। तो इसी तरह से जितनी भी बस्तियाँ हैं लगभग अराउंड 90% सारी की सारी पेंडिंग है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई असर ही नहीं है। हमने डीसी साहब से भी बात की, आरएनबी के एडब्ल्यू से बात की, पीएचई के एडब्ल्यू से बात की, जिस चीज से भी बात की हमने तो सबका यही कहना था नहीं जी हमने टीमें भेजी हुई हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो कोई दिखाई नहीं देगा आपको। जी तालिब, जेके खबरनाव के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रखने से पहले यहां पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तिजारती वक्फा। अल-फज़ल टूर एंड ट्रेवल्स काजी मोहल्ला लाल चौक अनंतनाग, ब्रांच ऑफिस राही टूर एंड ट्रेवल्स नजदीक बचपन किड्स केपी रोड अनंतनाग। हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन उमराह पैकेजेस, जिसमें फैमिली पैकेजेस बेहतरीन रेट्स पे अवेलेबल हैं और विंटर में जम्मू में रहने वालों के लिए भी बेहतरीन पैकेजेस अवेलेबल है। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सीट बुक कराइए। बुकिंग के लिए आज ही हमसे राब्ता करें 9906780225, 9906733684 पर।
تجارتی وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ڈالتے ہیں باقی خبروں پر ایک نظر۔ بانیحال کے ریسکیو فاؤنڈیشن نے آج مفت لنگر کا اہتمام کیا، یہ لنگر انہوں نے درماندہ مسافروں کے لیے منعقد کیا تھا تاکہ کسی مسافر کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر ریاض احمد خان نے آج شانگس کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، دورے کے دوران انہوں نے چھوٹی بڑی سڑکوں سے برف ہٹانے اور پانی بجلی سمیت اہم خدمات کی فوری بحالی کی ہدایت دی۔ برف باری کے نتیجے میں منقطع ہوئے علاقوں اور دیہات کے ساتھ سڑک رابطہ بحال کرنے کے لیے انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ جلد سے جلد متحرک ہو جائے اور سڑکوں پر سے برف ہٹائے۔ ویرینا کبرن روڈ پر ابھی تک برف نہیں ہٹائی گئی اور بجلی کے عدم دستیابی سے بھی لوگ کافی پریشان ہیں۔ یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں صرف یقین دہانیاں ملتی ہے جبکہ ان یقین دہانیوں کو عملی جامع نہیں پہنایا جاتا۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد سے جلد یہاں پر برف کو ہٹائے اور بجلی کی دستیابی کو بھی یقینی بنائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جے کے خبر نو کا کہ آپ وہاں سے یہاں تک آئے ایسے برف میں، ایسے حالات میں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپیل کروں گا گورنر انتظامیہ سے اور خاص کر کے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سے کہ یہ جو کپرن کا بلٹ ہے اس میں بہت ہی مشکلات ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو آج 3 دن کے بعد بھی روڈ ہمارا جو کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ویری ناگ سے کپرن ہنگی پورا تک روڈ جو ہے ابھی تک پورا بند ہے، کوئی اس میں نہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ فارمیلٹیز کے لیے مشین کو بھیجا گیا لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاور کا یہاں پہ نظام ہے وہ پورا ٹھپ ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بولوں کہ یہ جو بجلی ڈپارٹمنٹ کے جو ملازم ہیں لوور بیلٹ کے، خاص کر کے میں کمر سے نیچے نیچے کی بات کروں گا، جو پرماننٹ ملازم ہیں وہ تو جموں میں بیٹھے ہیں اپنی فیملیز کو لے کے، اور یہاں پہ کیجول لیبر جو بیچاروں کو تنخواہ ہی نہیں ملتی وہی آج بھی آپ کو دکھائی دیں گے پول ٹھیک کر رہے ہیں، تار ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میری ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پرماننٹ ملازم جو ہیں پی ڈی ڈی اس میں ایکشن لے، ان ملازموں کو بھی لائے اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ تو تیسری بات جو ہے راشن کی بھی قلت ہے اس علاقے میں، کبرن علاقے میں، وہ بھی دیکھا جائے۔ اور لیکن مین جو مین پرابلم اس ٹائم ہے وہ ہے ہماری روڈ کی پرابلم۔ اس روڈ کو کلیئر کیا جائے، کبرن ویرینا کا جو روڈ ہے یہ کلیئر کیا جائے، ہالسڈار کا روڈ کلیئر کیا جائے، دودھ وگن بٹگن روڈ جو ہے وہ ابھی بالکل بند پڑا ہے وہ کلیئر کیا جائے، اور یہاں سے آگے جو ایولانچز آئے ہیں ہنگی پورا کھاڑر کے اس ایریا میں اس کے لیے ایک کٹر یہاں پہ ہونا چاہیے اویلیبل تاکہ لوگوں کو راحت ملے۔ اور ہیلتھ سیکٹر کا جہاں تک تعلق ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں، بیمو صاحبہ نے آج خود ایک وزٹ کیا یہاں کپرن علاقے میں، آئی اور یہاں کے لوگوں سے ملے، یہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اور ان سے گزارش بھی رہے گی آپ کے مادھیم سے کہ اس علاقے کو تھوڑا پرائیورٹی پہ لے لیں۔ تیسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو خاص امپورٹنٹ بات جو ہے، آج صبح جب میں نے بات کی ایس ایچ او ڈورو سے، اس نے کہا کہ 4 مشینوں کو ہم نے کپرن بیلٹ کے لیے بھیج دیا، اور یہاں پہ ایک کوئی فورم بنا ہے شہباد ڈیولپمنٹ فورم نام سے، انہوں نے نوڈورا میں ان مشینوں کو روکا اور واپس لیا اور کہا کہ پہلے ڈورو کی گلی کوچوں کو کلیئر کرو، حالانکہ مین روڈ کلیئر تھا مگر ان فورم والوں نے ان کو روکا اور ڈورو کی گلی کوچوں کو کلیئر کرو۔ کیا اس شہباد فورم والوں کو، اس علاقے میں لوگ رہنے والے لوگ، یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اس کو کلیئر کریں؟ کیا ڈورو ہی سب کچھ ہے؟ کیا ڈورو کے ہی لوگ انسان ہیں؟ اس علاقے کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ اس علاقے کے ساتھ ہمیشہ سے استحصال ہوا ہے، اور میری آپ سے گزارش رہے گی، آپ کے مادھیم سے گزارش رہے گی کہ اس علاقے کے ساتھ خدا را انصاف کرو۔ اس علاقے کو کبھی انصاف نہیں ملا، جتنے بھی حکومت آئے، جتنے بھی سیاستدان آئے، اس علاقے کو کسی نے سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش آج تک نہیں کی ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس علاقے کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ ان اور ان فورم والوں سے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ڈورو ہی نہیں ہے، ہمارا ویری ناگ بھی ہے جو ٹورسٹ پلیس ہے، وہ بھی تو دکھائی دینا چاہیے نا آپ کو۔ اور خاص کر کے یہ جو کپرن بیلٹ ہے، کپرن ایک راجدھانی ہے، یہ سینٹر پلیس کپرن ہے، اس کے آس پاس میں کم از کم 25 گاؤں ہیں، اور کپرن جب کلیئر نہیں ہے تو پھر کیا کلیئر ہے؟ تو انہیں 2 باتوں کے لیے آپ کو میں نے یہاں پہ تکلیف دی، باقی بہت شکریہ۔ حال ہی میں جو برف باری ہوئی اور جس سے انسانی زندگی کا توازن بگڑ گیا، اس پر نیشنل کانفرنس کے لیڈر ایڈوکیٹ فاروق احمد گانے نے ہمارے کشمیر بیورو چیف رئیس وانی سے خصوصی بات چیت کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں جو کشمیر میں جو برف باری ہوئی اس کے چلتے جو ہے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،
इसी के चलते जो है हमारे साथ एक खास मेहमान आज टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में जुड़े हुए हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एडवोकेट फारूक अहमद गनई साहब। फारूक साहब, आपका जेके खबर नौ में खैर मकदम है। पहला सवाल मेरा आप ये रहेगा कि बर्फबारी हुई, हर साल पड़ रही है, मगर ये जो आज बर्फबारी हुई, अभी जो लोगों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर अगर डूरू वेरिना की बात करें, कपरन की बात करें, अभी तक जो है गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हमने सारे सड़कें साफ किया, मगर अभी तक जो वहाँ से फोन आ रहे हैं, वहाँ पे सारे रोड कट है, बिजली की गायब है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी फारूक साहब, देखिए ये जो रिसेंटली आपका शुक्रिया क्या आपने हमें मौका दिया, ये जो आज की स्थिति है और जो बर्फबारी हुई, ये तो प्रेडिक्टेड थी, अनप्रेडिक्टेड थी, वल्लाहु आलम बिसवाब। बर्फ तो हमें हर वक्त बर्फ के लिए मतलब मौसमी हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा ये जो मैं बिल्कुल मॉनिटर कर रहा हूँ, देखिए जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, ये एक प्रेशर ग्रुप होता है, इसको अपने घर से कोई चीज नहीं करनी होती है, इसके पास जो किसी भी इलाके से इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो इंफॉर्मेशन से इनको जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो R&B डिपार्टमेंट हो, चाहे वो PMGSY हो, चाहे कोई भी हो, उनको इस चीज से आगाह करना है और इंश्योर करना है कि जो काम है वो स्पीड अप हो जाए। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम जो है मशीन की प्रॉब्लम है, जो ये बर्फ काफी ज्यादा है, हैवी है, मशीन्स डैमेज हुई, आपने देखा होगा पीछे तीन मशीन जो मशीनें हैं एक ही जगह बंद हो गई, और उसके बाद जो मेन रोड है, मेन रोड इन्होंने जो स्नो क्लियरेंस की कपरन तक और फिर बटागोर दौदवागन रोड वगैरह, ये भी उन्होंने किया, इनके कहीं ये डोजर से कर रहे हैं, कहीं ये एक साइड से लोग कहते हैं कि हमें जो मैगडम है वो खराब नहीं होना चाहिए, दूसरे साइड से ये कहते हैं कि बिल्कुल जो है जमीन दिखनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे मैं भी एक रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, और मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ कि हर जगह आप ये देखिए, चाहे वो डोरो वेरिनाग तो खैर टाउन के परव्यू में आता है, उसको टाउन जो है जो म्युनिसिपल कमेटी डोरू है वो लुक आफ्टर करती है, और वो कैसे मैनेज करते हैं ये उनका काम है। फिर वेरिनाग से ऊपर आप कपरन अगर जाएंगे तो जो रोड है वो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, लोगों को ये भी देखना है कि जहाँ पे सड़कों पे मकान है वो बर्फ जो गिरती है मशीनों को वो रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है, अगर वो मशीनें वो बर्फ लिफ्ट करने बैठेंगे तो फिर कोई रोड क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हर रोड जो है वो कम से कम पैदल चलने के काबिल हो, या एक गाड़ी चल सकती है। आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपनी मशीनें लगाई कपरन का, वेरिनाग से ऊपर कपरन भेजी, और वो उनको डायरेक्शन दी गई डिपार्टमेंट की कि आप वाइडनिंग करो और कहीं कहीं पे पासिस बनाओ। अब जो रोड्स कुछ है जो हिली एरियाज में है, वहां पे JCB भी अगर जाएगा तो लोग कहते हैं मैगडम खराब नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जो हमें ये कहते आए हैं कि भाई हमें दिक्कत आ रही है कि ये जो बर्फ जो छतों से बर्फ गिरती है वो रोड में है, आप देखिए कितना डिफिकल्ट है इन हालात में काम करना। मुझे लगता है कि लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए, हमारा तो ये काम है, लोग हम तक शिकायत पहुंचाते हैं और हम उसका इजाला करने के लिए ऑफिसर्स को बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट चुप करके बैठा होगा। अगर जो रातों रात हम कहेंगे रातों रात सारे मोटरेबल हो जाएंगे या सब सड़कें जो है साफ हो जाएंगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी चाहे वो पॉपुलर गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नर रूल हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों को भी किसी न किसी हद तक कोऑपरेट करना है, और मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से और जो डिपार्टमेंट है उनसे कि वो लोग उनका ताउन करे और वो लोगों का ताउन करे, और जो लोग जो सड़कें अभी तक मोटरेबल नहीं हुई है वहां पे भी उनको जल्द अज जल्द बर्फ हटाई जाए, और जहां पे उनको दिक्कत आती है लोग उनको वहां पे सहायता करें, ताकि जो मशीन जैसे मशीन चलाने वाला होता है या डोजर चलाने वाला होता है उसको कहीं पे लड़के पकड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो नेचुरली बाधाएं तो काम में आती है। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक जो अनंतनाग कपरन रोड है बिल्कुल बर्फ उठाई गई है, और इस वक्त भी मशीनें वहां पे लगी हुई है, डिपार्टमेंट ने लगाई है, मैंने नहीं लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई है। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि लोग जो पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, मेरी हर
चाहे वो समाजी ऑर्गेनाइजेशन है या चाहे सियासी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, डिपार्टमेंट को अपना काम करने दो। हमारा काम है कि अगर डिपार्टमेंट कहीं काम नहीं करता है, डिपार्टमेंट कहीं गलत करता है, तो हम उन पे उंगली उठाए। अगर हमें इतनी ज्यादा ये है कि जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए वो होना चाहिए, तो हमें ये चाहिए, फिर हम अपने चार चार पांच पांच डोजर रखेंगे तो लोगों की खदमत में वो सर्विस होती है जो आज की डेट में कोई करता नहीं है। फारुक साहब, एक यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ, कल हमने जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अफसरान से भी बात की, उनका बोलते हैं काफी प्रेशर आ रहा है, कोई एक तरफ से फोन करता है, कोई एक समाजी तंजीम, आपने खुद ये बात कही कि पहले यहाँ जाओ पहले वहां जाओ, यहाँ तक कि आज एक ऐसी खबर हमने सुनी सुबह की जो कि वहां पे कपरन बेल्ट के लिए मशीनें तैयार की थी, उनको डूर में ही पकड़ा, बोला कि पहले डूर को ठीक करो, मतलब इतना, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं क्लियर हूँ, मेरी 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 सिया इन हालात में कोई सियासत नहीं होती है। इन हालात में वही इंसान बात करना चाहिए, वही इकदाम करने चाहिए कि जिससे लोगों को राहत पहुंचेगी। अपने नंबर बनाने की ये जरूरत नहीं है, मैंने उसको फोन किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, करता कोई कुछ नहीं है। जो भी होता है वो गवर्नमेंट करती है, डिपार्टमेंट करते हैं, हमारी रसाई डिपार्टमेंट तक होती है और लोगों की रसाई हमारे तक होती है। अगर ऐसा कुछ लोग करते हैं कि मशीन्स को रोकते हैं या उनको काम नहीं करने देते हैं या अपने सेल्फी उठाते हैं या कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को ये समझना चाहिए कि शाहबाद के लोग अब उतने बेवकूफ नहीं हैं कि जो व्हाट्सएप पोस्ट, फेसबुक पोस्ट और दूसरी चीजों में देखेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, MED का, RNB का, हर उस ऑफिसर का जो इस वक्त 24/7 काम कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है और हमें भी वो प्रॉब्लम समझनी चाहिए। कोई ये कहेगा कि मैं रातों रात ताजमहल बनाएगा, कोई ऐसा अभी पैदा नहीं हुआ है जो रातों रात ताजमहल बनाएगा। हमारा सिर्फ ये है, हम चाहते हैं, मैंने अपना नंबर दे के रख, अगर मुझे कोई फोन करता है मैं उनको यहाँ से फोन करता हूँ कि मैंने कन्वे की मैसेज, उनकी मशीन जैसे ही हो जाएगी आपको ये लिफ्ट हो जाएगा। आप देखेंगे मेरे फेसबुक पे कभी भी ऐसा ये नहीं होगा, मशीन के साथ फोटो नहीं होगा, मशीन मैंने भेजी, खाद भेजी, मैं कहाँ से मशीन लाऊंगा, ये तो सरकारी मशीन है। क्यों लोग क्यों ऐसा लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। अगर कोई ऐसा करता है, फारूक साहब रोकना चाहते हो, क्या ये समझे कि इसमें भी सियासत हो रही है? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि मैं तो एज इंडिविजुअल मैं कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है दूसरे लोग भी इस चीज को समझेंगे कि वो सियासत ना करें, डिपार्टमेंट्स को अपना काम करने दें। हाँ, अगर डिपार्टमेंट कहीं पे गलत करता है या वो सोते हैं, मशीनें बाहर नहीं निकालते हैं, तो हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट फेल है। जब डिपार्टमेंट आपको 24/7 लगा है तो आप क्यों अपने नंबर बनाने के लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाकी चीजों को गुमराह करते हो कि मैंने वो किया, मैंने ये किया, कोई कुछ नहीं करता है। ये डिपार्टमेंट का अपना काम है और डिपार्टमेंट को अपना काम करने दीजिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। और मेरी सारे जितने भी चाहे वो समाजी है चाहे वो सियासी है, उन लोगों से अपील है कि ऐसा करने से बाज रहे, डिपार्टमेंट्स को अपना काम करने दे। डिपार्टमेंट बखूबी जानता है कि उनको किस डिपार्टमेंट को किस रोड की जिम्मेवारी है, वो रोड क्लियर करेंगे। अब हम कहेंगे कि रातों रात ये सारी बर्फ उठा के तो दरिया जहली में फेंकी जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मैं अपने जो भी फोन करता है मैं उनको समझाता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मैगडम भी बच जाए, हम चाहते हैं बर्फ भी उठ जाए, तो हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। और मैं डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ, जहां जहां से भी उन्होंने बर्फ उठाई, कम से कम दो चार जरीब के पास एक पास बनाए, क्योंकि गाड़ी अगर पास होनी है तो वो उस पास में साइड देके लोगों को राहत मिल जाएगी। आखिर पर एक सवाल रहेगा मेरा फारूक साहब आपके, मुझे ये बताइए, कपरन बेल्ट से हमें ये शिकायत आ रही थी जो कि बिजली को लेकर है, जो परमिटेड मुलाजिम है वहाँ पे, वो खुद जम्मू में बैठे और कैजुअल लेबर बेचारे क्या करेंगे अकेले, वो जब उनका परमिटेड मुलाजिम जो साथ कोई नहीं होगा वहाँ पे, जो है परमिटेड मुलाजिम जो है वो जम्मू में बैठे, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज को बखूबी वाकिफ हूँ, चाहे वो PHE डिपार्टमेंट है, चाहे वो PDD डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, ये जो नीड बेस्ड कैजुअल लेबर है बेचारे, ये दिन रात काम करते हैं, बहुत कम अमाउंट पे काम करते हैं। और अगर हम ये देखेंगे कि जहां पे ये कह रहे हैं कि परमानेंट मुलाजिम नहीं है, नीड बेस्ड काम कर रहे हैं, मैंने देखा है जब फ्लड आया 2014 में,
तब देखा मैंने कि जो नीड बेस्ड वर्कर है कैसे काम करते हैं। आज मैं देखता हूँ गाँव में माँ की गाली बहन की गाली वो नीड बेस्ड वर्कर खाता है, स्टाफ इनके पास अवेलेबल नहीं है। आप ये देखेंगे एक एक लाइन मैन एक एक फिटर चार चार पांच पांच गांव के लिए है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी मैंने कंसर्न चीफ इंजीनियर साहिबान से भी और कंसर्न जो एग्जन साहिबान है और जो एडब्ल्यू साहिबान है उनको इससे मुतला किया है कि कम से कम ये जो आपके परमानेंट मुलाजिम है जितने भी है आपके पास, मुझे पता है शायद लोगों को ये नहीं पता होगा, मुझे पता है कि इनके पास बहुत सारी किल्लत है मुलाजिमों की। अगर वो उनको मुलाजिमों की किल्लत है क्या आप क्यों देर कर रहे हो, ये जो बेचारे काम कर रहे हैं इनको परमानेंट करो इनको, ताकि ये भी बेचारे अगर कोई मरता है उसको कौन एसआरओ केस देगा, कोई नहीं देगा। कितने बिजली के मुलाजमीन मर गए, किसने उनको पूछा, किसी ने नहीं पूछा। जो नलके वाले हैं जिन्होंने जमीन दी है जो बेचारे इस इन हालात में इन मौसमी हालात में काम कर रहे हैं उनको कौन देखेगा, फिर बाद में कोई नहीं देखता है। मैं गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनसे अपील करना चाहूंगा कि कम से कम ये जो नीड बेस्ड मुलाजिम है इनको परमानेंट करो और इनको कम से कम जो वेजेस है। अब ये देखिए कि कहीं कहीं डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहां पे वेजेस नहीं मिलते हैं उनको। आप मुझे बताइए एक एक नीड बेस्ड एम्प्लॉय अगर है उसको वेजेस नहीं मिलेंगे वो कहां से खाएगा, या तो उसको गलत करना है या फिर किसी को बोलना है कि आप जी हीटर चला मैं आपसे 100 रुपया लूंगा, किसी को ये कहेगा कि आप नल के 10 चला मैं आपसे 100 रुपया लूंगा। तो कम से कम कहीं ना कहीं जहां हम समझते हैं कि हमारे फराइज है वहां पे हमारी ड्यूटी भी है, ये हम सब लोगों को देखना है, हमें इस इन लोगों के साथ कोऑपरेट करना है और लोगों गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है कि इन लोगों के साथ इंसाफ करो। बाकी आप देखिए कल यहाँ पे जो अभी जो स्नो एवलांची आया वहां में बहुत खुश हुआ। आप ये देखिए मैंने खुद मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वहां पे टनल के पास हम रहे, वहां हमारे लड़के थे, हमारी एक निजी एक तंजीम है अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि हम हाईवे के साथ रहते हैं तो ये बरसों से ये जो जो कमेटी है बनी है, वेरीनाग ग्रेटर वेरीनाग एक तंजीम है। उन लड़कों को तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को कम से कम 10,000 उनको अवार्ड मिलना चाहिए। वेरीनाग डेवलपमेंट फोरम है एक, उनके 10-12 लड़के थे, और उसके बाद जो NDRF है और जो पुलिस के जवान थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक ने वहां पे अपना अपना काम किया। और मैं उन सब लोगों का, चाहे वो ग्रेटर वेरीनाग है, चाहे वो वेरीनाग डेवलपमेंट फोरम है, चाहे वो SDWA डिजास्टर कमेटी है, चाहे डूरू के लोग, मैंने हर इंसान को वहां पे देखा। डूरू का एक ऑटो ड्राइवर है लड़का, हजाम लड़का, वो बेचारा सुबह से रात तक वो काम करते रहे वहां पे। एक लड़का है यासिर, सुबह से लेके भूखे पेट उन्होंने काम किया। फिर मैं फारूक गनाई जम्मू में बैठेगा, फारूक गनाई श्रीनगर में बैठेगा और फिर ये कहेगा कि हमने किया। इन चीजों का नोट लेना चाहिए। और मैं बखूबी, आपको पता है मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और वाबस्ता रहा हूं, बखूबी ये इनको देखना चाहिए कि क्यों आप नंबर बनाते हो। कोई मरता है आप अपना नंबर बनाते हो, कोई जीता है तो आप अपना नंबर बनाते हो। फील्ड में आओ, फील्ड में काम करो, लोगों को दिखाओ कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। और वो लोग जो इन मामलों में सियासत करेंगे, मुझे लगता है कि ये उनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। आज कल वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, आज वो कंक्लूड हुआ और आज वहां से एक परवेज नामी जो बारामूला का एक कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल था, उसको निकाला। और मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं और उन सब लोगों का शुक्रिया करता हूं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो सिविल है, चाहे वो रेवेन्यू के हैं, हेल्थ के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, लोकल जो हमारी ये जो तंजीमें वहां पे लड़कों ने काम किया, उन सबों का शुक्रगुजार हूं। और उम्मीद करता हूं कि आइंदा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से गुजारिश करता हूं कि इन ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, इन सब NGOs को जो जिन लड़कों ने कल वहां पे काम किया उनको डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का एक हिस्सा बनाए, ताकि कभी भी कोई ऐसा वाका हो वो बखूबी अपनी सर्विसेज अंजाम दे। शुक्रिया, खुले जहन से आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई न्यूज होगी तो अपना नाम और फोटो के साथ हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9797973070। तो दीजिए अपनी मेजबान गजाला निसार को इजाजत। खुदा हाफिज़।